राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आप सभी का किचन वर्ल्ड वाइड कृतिका में। नवरात्रि आने वाली है तो जाहिर सी बात है आप सभी व्रत भी रखेंगे, तो इस बार व्रत में कुछ अलग ट्राई करते हैं और बनाते हैं व्रत वाले मसाला डोसा, जो टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल डोसे की तरह ही आपको क्रंच देता है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे हम व्रत में खाए जाने वाले मिलेट के साथ बनाएंगे, और क्योंकि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी है तो दो दो काम हमारे एक संग हो जाएंगे। व्रत की रेसिपी के साथ इंटरनेशनल मिलेट ईयर का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो फटाफट से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो डोसे बनाने के लिए हमें चाहिए बर्नयार्ड मिलेट यानी कि समा के चावल, और इनको मैंने अच्छे से 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप ओवरनाइट में भिगो कर उसका पेस्ट तैयार करके फर्मेंट करके भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए हमने चावल को अच्छे से भिगो लिया है 4-5 घंटे के लिए, और इसको हमें मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी मिलेट का यूज़ किया है, और ये रेसिपी इजीली दो लोगों के लिए सर्व हो जाएगी। तो इस समय आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, उससे बैटर जो है वो और भी स्मूथ बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही रनिंग कंसिस्टेंसी वाला पतला एकदम बैटर तैयार कर लिया है। तो जो बैटर है उसमें बिल्कुल दाना नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर हमें बनाना है। अब मैंने इसमें सेंधा नमक मिलाया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से बीट करते हुए मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसे कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जिससे ये सेट हो जाए। तब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है 2 छोटे चम्मच घी, तो इसके अलावा अगर आप तेल खाते हैं व्रत में तो वो भी आप ले सकते हैं। गर्म होने पर इसमें डाल देंगे जीरा, कुटी हुई काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही हरी मिर्च और ग्रेट की हुई अदरक। इन सबको हमें स्लो फ्लेम पर भून लेना है, और फिर भून लेने के बाद हमें डालने हैं इसमें बॉइल्ड किए हुए आलू। तो मैंने एक छोटी कटोरी भर के इसमें आलू लिए हैं, साथ ही मिला देते हैं सेंधा नमक। इसके अलावा अगर आप जो मसाला खाते हैं व्रत में वो भी मिला सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए और आलुओं को मैश करते हुए हमने अपना मसाला तैयार कर लिया है। लास्ट में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली आलू का मसाला हमारा बनकर हो गया है रेडी। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे साइड से रख देते हैं, और भरते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे डोसे का बैटर है वो भी अच्छे से सेट हो गया है, बस हमें इसके अब डोसे बनाने हैं। तो डोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है पैन, तो आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ कर सकते हैं, लोहे के तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ अपना डोसा, लेकिन मीडियम हीट पर, और डोसा डालने के बाद फ्लेम को आप हाई कर दीजिए, और फिर इसमें डाल दीजिए चारों तरफ से घी। तो आप यहाँ पर अगर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर खाते हैं तो। मैं यहाँ पर अच्छे से घी लगा रही हूँ इसमें, और बस फिर हमें इसे सिकने देना है जैसे कि हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं ठीक उसी तरह से। तो थोड़ी ही देर में हमारा जो डोसा है उसको अच्छे से सिकने लगा होगा, और जैसे ही ब्राउन कलर आ जाए एक साइड से, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो फटाफट से इस पर अपने आलू का जो मसाला हमने तैयार किया था वो लगा देते हैं और इसे निकाल लेते हैं, और गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर रखेंगे। और देख सकते हैं आप हमारा डोसा कितना बढ़िया बना है, बहुत ही क्रंची बना है, कुरकुरा भी बना है। और इसी तरह से हम बैटर को फैलाते जाएंगे और अपने डोसे तैयार करते जाएंगे। डोसा डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम को हाई करना है, घी या तेल लगाना है अच्छे से, एक साइड से ब्राउन होने तक हमको इसको सेक लेना है, और फिर अपना आलू का मसाला फैलाएंगे, इसे रोल कर देंगे, और हमारा जो डोसा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी डोसे बनाकर तैयार कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे क्रंच के संग हमारे इंस्टेंट समा के चावल के डोसे बनकर रेडी हो जाएंगे, जिसका लुफ्त आप अपने व्रत में भी खूब ले सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं। तो बस इसे सर्व कीजिए श्रीफल यानी कि नारियल की चटनी के संग में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी लगते हैं, और व्रत में डोसे मिल जाएं तो क्या कहने। तो फिर इस नवरात्रि पर समा के चावल के डोसे व्रत वाले वो भी इंस्टेंट फटाफट बनाइए और फटाफट खा जाइए, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नवरात्रि स्पेशल में मैं आपके लिए ऐसी ही और रेसिपी लाती रहूंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नवरात्रि स्पेशल रेसिपी के साथ।
तब तक खाइए खिलाइए खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।